भाई ये हजारों लोग अब पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने आईफोन 16 सीरीज को लाखों रुपए देके लॉन्च डे पे ही खरीद लिया था। इसलिए मैंने सभी बड़े क्रिएटर्स की अराउंड 100 वीडियोस देख ली हैं एंड इन दो बड़े रीजंस की वजह से यार सभी क्रिएटर्स इस साल आईफोन 16 सीरीज लेने को मना कर रहे हैं। पहला है कि भाई एआई के नाम पे एप्पल ने सबको चूना लगा दिया है क्योंकि ये एप्पल इंटेलिजेंस तो भाई आईफोन 16 वालों को 2025 तक मिलेगा ही नहीं एंड ये सभी एआई फीचर्स तो भाई आईफोन 15 प्रोज में भी आएंगे। सभी क्रिएटर्स यार एप्पल से इस साल बड़ा नाराज है क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भैंस अभी खरीद लो बट दूध तुम अगले साल ही निकाल पाओगे। दूसरा है कि सैमसंग एंड गूगल हर साल अपने फोन्स में कुछ नया इनोवेशन लाते हैं जबकि एप्पल वही से पॉलिश करके दोबारा चेप देता है। कैमरा, बैटरी, स्क्रीन क्वालिटी किसी में भी कोई खास फर्क है ही नहीं। इस 10,000 के डब्बे में भी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आती है बट एप्पल वही 60 हर्ट्ज पे अटका पड़ा है। इनोवेशन के नाम पे ये कैमरा कंट्रोल बटन तो दिया है बट भाई इसकी पोजीशन इतनी खराब है कि कोई इसे यूज ही नहीं कर रहा। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के आईफोन कंपैरिजन में ही देख लो यार बस इक्का दुक्का फर्क है। न्यूज है कि आईफोन 16 तो एप्पल के इस न्यू एरा के लिए एक बेस है। असली न्यू एआई इनोवेशन एंड 120 हर्ट्ज स्क्रीन वाला तो भाई आईफोन 17 ही होगा। हाँ ठीक है नए कलर दे दिए, अल्ट्रा वाइड कैमरा हल्का सा अच्छा कर दिया बट ओवरऑल आईफोन 16 पे पैसे मत खर्चना। अभी दिवाली सेल पे यार आईफोन 15 सीरीज पे भारी सेल आएगी तो उसका वेट करना। रील सेव एंड शेयर करके अपने एप्पल दीवाने दोस्तों की आंखें जरूर खोलना एंड कमेंट में एप्पल के बारे में यार दो प्यारे शब्द लिख दो एंड कमेंट करते ही ये आईफोन कंपैरिजन पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपके डीएम में भेज दूंगा।